हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अभी आज हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का सप्लीमेंट्री का तीसरा चैप्टर, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा सर्वोत्तम या महानतम ओलंपिक पुरस्कार, जिसके हमारे ऑर्थर हैं जेसी ओवेंस। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि अभी हमारा जो जेसी ओवेंस है बहुत ही निम्न जाति का है और वो ओलंपिक खेल खेल रहा है, और एक वर्ष पहले उसने विश्व कीर्तिमान बनाया है 26 फीट का। तो कह रहा है कि जैसे ही वो प्ले ग्राउंड पर बर्लिन में ओलंपिक खेल खेलने के लिए पहुंचा है, तो वहां पर जब उसे पता चलता है कि हिटलर ने एक दूसरे व्यक्ति को, जिसका नाम लुजलोंग है, उसे छिपा कर रखा था, और वो प्ले ग्राउंड पर दिखता है और जो अपने पहले ट्रायल्स में ही 26 फीट कूद रहा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है हिटलर के ऊपर, क्योंकि हिटलर बहुत सारे बकवास से नियम अपने देश में चला रखा था जर्मन में। उसका मानना था कि जर्मन के जो उसके नाजी जाति के लोग हैं, सिर्फ वही बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं। तो इस वजह से और भी उसे गुस्सा आ जाता है। तो आगे वीडियो में हम देखते हैं कि जेसी ओवेंस जो दिखाना चाहता है हिटलर को, उन्हें प्रूफ करना चाहता है कि हिटलर गलत है, उसका थॉट्स गलत है, तो वो क्या करता है? क्या वो वाकई खेलता है ठीक ढंग से या फिर कुछ और करता है? तो आइए हम वीडियो में देखते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, एन एंग्री से हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक एंड एनी कोच विल टेल यू। कह रहा है कि एक क्रोधित एथलीट माने खिलाड़ी, कह रहा है कि एक क्रोधित खिलाड़ी इज एन एथलीट एक ऐसा खिलाड़ी होता है हु माने जो विल मेक मिस्टेक गलतियां करेगा, एज एनी कोच विल टेल यू और ऐसा आपको कोई भी कोच बताएगा। जेसी ओवेंस कह रहे हैं कि एक क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करेगा, और ये वाली बात जो है आपको कोई भी कोच बताएगा, फिर चाहे आप लॉन्ग जंप कूद रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल, उसके कोच जो होते हैं वो बताते हैं कि खेल में हमारा जो क्रोध है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोधित होंगे तो हम गलतियां करेंगे। तो जेसी ओवेंस यही बात बता रहे हैं। आगे देखिए, आई वॉज नो एक्सपेक्शन, और कह रहा है कि मैं कोई अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जंप्स आई लिप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ नो जंप। कह रहा है कि ऑन फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जंप्स, कह रहा है कि 3 अंतिम कूदों में से पहले कूद के लिए मैं, कह रहा है कि कूदने वाले स्थान से, कह रहा है कि आई लिव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड। लंबी कूद के लिए आप अगर कूदे होंगे तो एक लाइन बना होता है कि वहीं से आपको जंप करना है। तो कह रहा है कि उस कूदने वाली लाइन से कुछ इंच दूर से कूदा, इसलिए यह कूद मेरा नहीं माना गया। कह रहा है कि एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए। कह रहा है कि ऑन द फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जंप्स आई लिव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर नो जंप। कह रहा है कि 3 सफल होने वाले कूदों में के पहले कूद के लिए मैं टेक ऑफ बोर्ड यानी कूदने वाली लाइन से कुछ इंच पहले से कूदा, इसलिए यह मेरा कूद नहीं माना गया। ऑन द सेकेंड जंप आई वॉज इवन वर्स, और दूसरी कूद में आई वॉज इवन वर्स माने मैं पहले से भी वर्स माने खराब था। कह रहा है कि ऑन द सेकेंड जंप आई वॉज इवन वर्स, दूसरी कूद में मैं पहले से भी खराब कूदा या पहले से भी खराब था। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस?
कह रहा है कि क्या मैं 3,000 मील से दूर इसलिए आया था? आई थॉट बिटरली, बिटरली मैंने बुरी तरह से, कह रहा है कि मैं बुरी तरह से सोचा, टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, कह रहा है कि क्या खुद को प्रयासों में, प्रारंभिक प्रतियोगिता में ही फेल माने असफल होकर स्वयं को मूर्ख साबित करूं या मूर्ख प्रमाणित करने के लिए आया हूं? जेसी ओवेंस जब दो बार खेल में, आपको पता है कि पहले क्वार्टर होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर जाके फाइनल होता है, तो कह रहा है कि क्या दूसरे बार भी जब वो फाइनल सेमीफाइनल तक वो खराब है, खराब कूदा है, तब वो सोच रहा है कि क्या मैं 3,000 मील दूर से, समुद्र पार से इसलिए आया हो कि प्रारंभिक खेल में ही हार कर खुद को मूर्ख साबित करो? आगे देखिए, वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिसगस्टली एट द ग्राउंड, कह रहा है कि पिट माने गड्ढा होता है, कि कह रहा है कि कूदने वाले गड्ढे से कुछ यार्ड की दूरी पर चलकर आई किक्ड द डिसगस्टली एट द ग्राउंड, कह रहा है कि मैंने डिसगस्टली माने घृणापूर्वक जमीन पर मारा। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक मैंने अपनी पीठ पर एक हाथ महसूस किया। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, कह रहा है कि आई टर्न टू लुक, कह रहा है कि मैं पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, द फ्रेंडली ब्लू आई द टॉल टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, तो कह रहा है कि तो एक लंबे कद वाला जर्मन ऊंची कूद के खिलाड़ी को जो नीली आंखों से मित्रवत देख रहा था, कह रहा है कि आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, कह रहा है मैं पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर देखा तो जर्मन का लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी जिसकी आंखें ब्लू है यानी नीली है मित्रवत देख रहा था। He had easily qualified for the finals on his first attempt, कह रहा है कि उसने आसानी से अपने पहले अटेम्प्ट माने प्रयास में ही फाइनल के लिए यानी अंतिम के लिए जगह बना लिया था या सफल हो गया था, कह रहा है कि उसने पहले ही प्रयास में अंतिम कूद के लिए पहले ही प्रयास में सरलतापूर्वक खुद को सफल कर लिया था या योग्य कर लिया था। आगे देखिए, ही ऑफर्ड मी अ फ्रेम हैंड्स, उसने मुझे दृढ़तापूर्वक मुझसे अपने हाथ को बढ़ाकर हैंडशेक माने हाथ मिलाया यानी स्वागत किया। जेसी ओवेंस आई एम लूज लॉन्ग, जेसी ओवेंस मैं लुजलॉन्ग हूँ, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मैं नहीं सोचता हूँ कि हम कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल थ्रू विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, कह रहा है कि वह अच्छे से या अच्छे प्रकार से अंग्रेजी बोल रहा था, कह रहा है कि थ्रू विथ द जर्मन ट्विस्ट टू इट, लेकिन कह रहा है कि उसके इंग्लिश में, उसके भाषा में जर्मन का ट्विस्ट माने उस जर्मनी जर्मन का जो भाषा का जो आभास है वो मिल रहा था। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। आई सेड, मैंने कहा, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपने घबराहट को, नर्वसनेस माने घबराहट को छिपाने का प्रयास करते हुए, मैं
करा है कि आई सेड ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपनी घबराहट को छिपाने का प्रयास करते हुए मैंने कहा आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। आई एडेड हाउ आर यू, मैंने आगे पूछा आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, प्रश्न यह है कि आप कैसे हो। वाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। ये जेसी ओवेंस कह रहा है जब लुज लॉन्ग ने कहा कि प्रश्न मैं ठीक हूँ, प्रश्न यह है कि आप कैसे हो। आई आस्क्ड, मैं जब जेसी लुज लॉन्ग पूछता है कि आप कैसे हो, तो जेसी ओवेंस पूछता है वाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई आस्क, मैंने पूछा। आगे देखिए कह रहा है समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कुछ तुम्हें अवश्य परेशान कर रहा है। ही सेड, उसने कहा यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आई सेट, तुम अपनी आंखें बंद करके भी सफल होने के योग्य है। कह रहा है कि यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आई सेट, कह रहा है कि तुम अपनी आंखें बंद करके भी इस प्रतियोगिता में अपने आप को योग्य प्रमाणित कर सकते हो। बिलीव मी, विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट समवन, कह रहा है कि बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। कह रहा है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, कह रहा है कि ऐसा कहना दूसरों से अच्छा लगता है। यहाँ पे जेसी ओवेंस कह रहा है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा एंड इफ फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, कह रहा है कि ऐसी बातें दूसरों से कहना अच्छा लगता है। आगे का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा है ट्रिकी, बट आई होप मैं आपको इजली बता रही हूँ, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आया, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।